दोस्तों आप लोग जो ये रिजल्ट देख रहे हो ना, ये फाइनल रिजल्ट है। कितने दिन का रिजल्ट है आपको वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हो रहा है, शायद आप भी लोग यही गलती करते होंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख लो दोस्त, जहाँ पर मिनोक्सिडिल लगाना चाहिए वहाँ पर तो भाई बिल्कुल लगा है, लेकिन गालों के थोड़ा ऊपर चला गया। मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, यहाँ पर देख लो। इससे 100% चांस रहते हैं दोस्त आपके अनवांटेड हेयर ग्रो हो सकते हैं। इंसान के शरीर में ना हर जगह पर हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और ये जो मिनोक्सिडिल है बिल्कुल अमृत की तरह काम करेगा, वहाँ पर आपके अनवांटेड हेयर आ जाएंगे। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी हेयर फॉलिकल्स है, अगर आप रेगुलर मिनोक्सिडिल यूज करोगे ना, तो दोस्त बालों को ना मतलब बहुत तेजी से न्यूट्रिशन वगैरह मिलेंगे, तो दोस्त ग्रो होने लगते हैं। जैसे हम लोग खान पान करते हैं ना, खाते हैं पीते हैं, हमारी बॉडी, हमारे नेल्स, हमारे नाखून सब धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं, तो बिल्कुल हमारे बालों के साथ यही चीज होता है। ओके, तो दोस्त आप लोग जब मिनोक्सिडिल यूज करते हो ना, जहां पर तुम्हें जरूरत पड़ती है वहां पर तुम यूज करो। बहुत से लोगों के गर्दन के नीचे तक चला जाता है तो अनवांटेड हेयर आ जाते हैं, बाद में बंदा परेशान होने लगता है। अब्रार भाई कोई सोल्यूशन बताओ, यहाँ के बाल हमें हटाने हैं, आप दूसरा बाल मत समझना, ठीक है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट इमेज दिखाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको जो है कि जीरो रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कितने दिन का ये रिजल्ट है। तो भाई इस साइड में देख लो, इस साइड में भी मिनोक्सिडिल इन्होंने अच्छे से लगाए हैं, लेकिन दोस्त इनके स्किन है ना रेड नहीं दिखाई दे रही है। मतलब बंदा जो ना अच्छे से डर्मा रोलर यूज नहीं कर रहा है। अगर अच्छे से आप लोग डर्मा रोलर यूज करोगे ना, तो दोस्त मिनोक्सिडिल बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होते हैं आपके स्किन में। देखो दोस्त, अगर आप डर्मा रोलर नहीं यूज करोगे तो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन भाई सबको चाहिए फास्ट रिजल्ट। जब डर्मा रोलर अच्छे से आप लोग यूज करोगे, ब्लड सर्कुलेशन होंगे ना, स्किन तो रेड होगी, लेकिन जब आप लोग मिनोक्सिडिल यूज करोगे बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होंगे दोस्त, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जो लोग विदाउट डर्मा रोलर के जर्नी स्टार्ट करते हैं उन्हें भी रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन दोस्त थोड़े स्लो रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत से लोगों के भाई नॉर्मल तरीके से भी ग्रो हो जाते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको, ये रिजल्ट फाइनल है, बट मैं आपको कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ, ज़्यादा तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, और मैं आपको जीरो रिजल्ट वाला तस्वीर जरूर दिखाऊंगा, ये फाइनल रिजल्ट है। तो चलो भाई जीरो वाला रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख लो, ये पूरा इस बंदे की जन्म कुंडली है, प्रोडक्ट से लेकर जीरो रिजल्ट तक इन्होंने सब कुछ भेजा है। यहाँ पर देख लो भाई, बाल बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके हैं, यहाँ पर मिनोक्सिडिल नहीं लगा हुआ है। आप लोग जब अपने चेहरे को वॉश करते हो ना, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, अब्रार भाई जब मैं अपने चेहरे को पानी से धोता हूँ तो मेरे बाल दिखाई देते हैं, और मैं अपने बालों को देखकर बहुत खुश हो जाता हूँ। जैसे पानी सूख जाते हैं भाई, बियर्ड गायब हो जाते हैं। ये लोग जो स्टार्टिंग में मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं, 20-25 दिन के बाद उनके धीरे धीरे बाल ग्रो होते हैं ना, उनके साथ ये होता है। तो भाई पानी अगर आप लोग चेहरे पर लगाते हो, जैसे आप लोग अपने फेस को वॉश करते हो ना, तो आपके बियर्ड दिखाई देते हैं, 100% दिखाई देते हैं। अगर तुम्हें चेकआउट करना है तो दोस्त अपने चेहरे को एक बार वॉश करना, और गीले जब आपके स्किन गीले रहेंगे ना, तो भाई आईने में देखना, 100% दिखाई देंगे। ओके, तो ये सब भाई स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको जीरो रिजल्ट वाला दिखा देता हूँ। ये स्टार्टिंग की है, जब भाई की बियर्ड बूस्ट होना स्टार्ट हुआ था तब की ये रिजल्ट है। आप लोग खुद चेकआउट करो, सभी जगह पर पतले पतले बाल आ रहे हैं, लेकिन हाँ इनके मुस्टैच और जो चिन के बियर्ड हैं ये नेचुरल थे, बट भाई गालों पर बियर्ड ग्रो करना ज़रूरी था इन्हें, और रिजल्ट भी मिल गया इन्हें। लेकिन अभी टाइम लगेगा दोस्त, अगर आप लोग यहीं से जर्नी स्किप कर दोगे ना तो दिक्कतें बढ़ जाती है। आप लोग सोचते होंगे भाई क्या दिक्कत होगा, तो भाई आप लोग ओल्ड वाला वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, इन्होंने मार्स का प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मिनोक्सिडिल डर्मा रोलर और बायोटिन है। प्रोडक्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और मैंने कल एक बियर्ड क्लीन सेप के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप लोग नहीं देखे हो, बहुत से लोग देखे होंगे, जो नहीं देखा भाई आप देख लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो वीडियो देखना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लो, ये सब मैं आपको दिखा दिया हूँ। अगर मैं 0% वाला रिजल्ट दिखाऊँ तो दोस्त थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ पर देख लो भाई, ये सब पहली की है, यहाँ पर तुम ध्यान से देखना, बहुत कम आपको नेचुरल बियर्ड दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हाँ पतले पतले बाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमें भाई पतले बालों से मतलब है, नेचुरल बियर्ड से मतलब बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, इस साइड में मैं बोला हूँ ना, इनके ऑलरेडी कुछ बियर्ड थे, बट इस बंदे को पूरे के पूरे बियर्ड ग्रो करना था, तो भाई इन्होंने जैसे जर्नी स्टार्ट किया इनके रिजल्ट आना शुरू हो गए। 2 महीने का ये रिजल्ट है, जो मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाया हूँ, ये 2 महीने का रिजल्ट है। 2 महीने के हिसाब से भाई बियर्ड में कोई शिकायत नहीं है, बट हाँ अगर आप गैप वगैरह करोगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रांड यहीं से चेंज करोगे, थोड़ा लालच पैदा करोगे, तो भाई तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारे बियर्ड में दिक्कत होगी, और तुम हमें परेशान करोगे। जब तुम हमें परेशान करोगे तो और लोगों का मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा तुम्हारी वजह से, तो भाई ये गलती मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो चलिए थोड़ा हम चैट वगैरह आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लो, ये बंदा क्या बोल रहा है, भाई भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरा बियर्ड के बाल इतना हैवी आ जाएंगे, थैंक्स ब्रो। मतलब इन्हें खुद यकीन नहीं था कि मेरे बियर्ड इतने जल्द आ जाएंगे, इतने बड़े बड़े हो जाएंगे। दोनों साइड में इनके प्रॉपर तरीके से बेबी हेयर्स आ चुके हैं, लेकिन हाँ इनके बियर्ड अभी टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल कौन से बियर्ड हैं, मुस्टैच वाले टर्मिनल हैं, और जो चिन पर बियर्ड है सिर्फ वो टर्मिनल है। बाकी जहाँ पर नए नए हेयर्स आए ना भाई, ये बिल्कुल मासूम बाल हैं, इन्हें सेव नहीं करना चाहिए। सेविंग एक हार्ड प्रोसेस है, आप लोग सेव करते हो ना तो कुछ कुछ बाल जड़ से निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है, और बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, बोलते हो भाई मेरे सभी बियर्ड आ गए, लेकिन भाई मेरे को यहाँ पर कुछ खाली खाली दिख रहा है, तो ये दिक्कत होती है। ओके, चलिए थोड़ा ऊपर दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर देख लो,
ये सब रिजल्ट मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग की दिखाऊँ तो दोस्त थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब पहले की इमेज वगैरह, थोड़ा मैं इसे जूम करता हूँ, यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ पर देख लो भाई, सभी जगह पर मैं आपको दिखा दिया हूँ। थोड़ा सा नीचे और चलते हैं, दाढ़ी के बाल पूरे में नहीं आ रहा है, मतलब ये बंदा बोल रहा है मेरे दाढ़ी पूरा नहीं है, मैं कैसे ग्रो करूँ, कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट होगा। तो भाई सुन लो, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत काम का चीज़ है। देखो भाई, अगर तुम बिल्कुल नए हो ना तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मिनोक्सिडिल। बहुत से लोग यार देखो, मैं क्या ही बताऊँ, बियर्ड ऑयल यूज़ करते हैं दाढ़ी ग्रो करने के लिए। बियर्ड ऑयल आपके नए बाल नहीं ग्रो करेंगे, जो आपके ऑलरेडी बियर्ड्स होते हैं भाई उन्हें हल्का सा बूस्ट करता है। देखो यार, बियर्ड ऑयल एक फैशनेबल के तौर पर यूज़ किया जाता है, जैसे हम लोग परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, बिल्कुल वैसे वो उसका काम है। उसका काम नहीं है कि आपके बियर्ड के बालों को नए बाल ग्रो करेगा, ठीक है। कुछ बियर्ड्स मेंटेन करता है, ठीक है, जैसे कि आपके पैचेस बियर्ड हो गए, बट पैची में भी उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। हज़ारों लोग शिकायत किए, भाई मैं बियर्ड ऑयल यूज़ किया, उस्तरा बियर्ड ऑयल हो गया, मार्स का बियर्ड ऑयल हो गया, बट मैं मिनोक्सिडिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनोक्सिडिल से ही तुम्हारे बियर्ड आएंगे, ओके। अब यहाँ पर देख लो दोस्त, ये लगभग 18-19 दिन का ये रिजल्ट है, यहाँ पर सभी जगह पर पतले पतले बाल आ रहे हैं। तो दोस्त अगर तुम नए हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है 5% मिनोक्सिडिल डर्मा रोलर बायोटिन यूज़ करो। तीन प्रोडक्ट मैं क्यों बोलता हूँ एक पर्सन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि दोस्त देखो आजकल जितने लोग हैं ना, जितने लड़के हैं, किसी को धीरे धीरे दाढ़ी उगाना कतई पसंद नहीं है, क्योंकि सबको चाहिए फास्ट रिजल्ट। अगर मैं तुम्हारे जगह पर रहता ना तो भाई मेरे को भी चाहिए फास्ट रिजल्ट। अगर तुम्हारे जगह पर तुम्हारा दोस्त रहता, वो नहीं कहता कि मेरे को स्लो रिजल्ट चाहिए, वो भी बोलता मेरे को भाई फास्ट रिजल्ट चाहिए। कुछ भी तुम तरीका बताओ, बस मेरी दाढ़ी ग्रो होना चाहिए। इतनी चुल्ल मची है, इतना ज़्यादा क्रेज़ है इसका, इतना डिमांड है, मैं क्या ही बताऊँ। बियर्ड का ट्रेंड चल रहा है, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, मतलब उनके बियर्ड नहीं, सबके बियर्ड आ चुके हैं। जर्नी आप लोग स्टार्ट करो, 100% बियर्ड आ जाएंगे। अगर आप लोग ज़्यादा कॉमेंट वगैरह करते हो ना, तो दोस्त सच में बता रहा हूँ, एक ही बंदा यार बार बार कॉमेंट करता है, इसलिए आप लोगों का रिप्लाई छूट जाता है। ज़रा सोचो, मान लो तुमने अभी अभी कमेंट किया, मैंने तुम्हारा रिप्लाई दे दिया, दूसरा बंदा कमेंट कर रहा है उसका भी रिप्लाई दे दिया, फिर से तुम रिप्लाई कमेंट कर रहे हो, तो मैं कहाँ तक आंसर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को जो चीज़ ज़रूरत पड़ता है वही कमेंट करो, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, प्रोडक्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से तुम प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हो, मंगा सकते हो, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए।